आज हम संस्कृत में क्लास सिक्स में प्रोफेसर बाणा पढ़ेंगे, जिसका नाम है चक्रावर्तन। तो इसमें एक बानर और एक मगर के बीच की कहानी है जिसको हम पढ़ते हैं। एकस्मिन् नदी तीरे एक जम्बू वृक्ष आसीत। एक क्या है? नदी के किनारे पर एक जम्बू वृक्ष मीन्स होता है जामुन का पेड़। जामुन का पेड़ नदी के किनारे पर स्थित था। तस्मिन् एक बानर प्रतिवसति इसमें, वहां पर क्या है? बानर बंदर रहता था। सह नित्यं जम्बू फलानि खादति इसमें, वो क्या करता था? प्रतिदिन उस जामुन के पेड़ से जामुन खाता था। कश्चित् मकरः तस्य मित्रम् आसीत्। और एक कोई मगर था वहां पर, वो उसका क्या था? मित्र था, दोस्त था। सः बानरः प्रतिदिनं तस्मै जम्बू फलानि ददाति इसमें, तो बंदर क्या करता था कि रोज उसको, उस मगर को जामुन खाने के लिए देता था। अतः सः मकरः तस्य बानरस्य प्रिय मित्रम् अभवत्। और इसी कारण उन दोनों की आपस में बहुत ही अच्छी मित्रता थी। एकदा मकरः कानिचित् जम्बू फलानि स्वपत्ने अयच्छत्। एक बार क्या हुआ कि वो मगरमच्छ ने क्या किया कि जो जामुन वो उसको डेली खाने के लिए देता था बंदर, तो वो अपनी पत्नी के लिए ले गया। तानि खादित्वा तस्य पत्नी अचिन्त्यत् अहो सः बानरः प्रतिदिनं मधुराणि जम्बू फलानि खादति। तो जब उसने, उसकी पत्नी ने वो जामुन खाया, तो उसकी पत्नी ने उससे कहा कि वो जो बंदर है वो जब प्रतिदिन जामुन के फल खाता है इतने मीठे, अतः नूनम तस्य हृदयमपि अति मधुरं भविष्यति इति। तो निश्चय ही उसका जो हृदय है वो बहुत ही मधुर मीठा होगा। सा स्वपत्नीम् अवदत् वो प्रतिदिनं मधुराणि जम्बू फलानि खादित्वा, तब बानरमित्रस्य हृदय कियत् मधुरं स्यात्। तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि हाँ, जब वो प्रतिदिन इतने अच्छे मीठे फल खाता है जामुन के, तो निश्चित ही उसका हृदय जो है मीठा होगा। तस्य हृदयं खादित्वा मम हृदयमपि अति मधुरं भविष्यति। तो उसकी पत्नी उससे बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि मैं उसका हृदय खाऊंगी तो मेरे हृदय को शांति मिलेगी। तत् यदि मां जीवित्वां दृष्टुम् इच्छसि तर्हि आनय शीघ्रं तस्य बानरस्य हृदयं। तो उसने कहा उसकी पत्नी ने कि यदि आप मुझको जीवित देखना चाहते हैं तो आप क्या करें, जल्दी जाएं उस बंदर से उसका हृदय लेकर आएं। मकर स्वपत्नी बहुविधे उपाय निवारितवान। तो जो मगरमच्छ था, पहले तो उसने अपनी पत्नी को बहुत अधिक बातें करके समझाने की कोशिश की। परम सा दृढ़ निश्चय आसीत, लेकिन वो अपने दृढ़ निश्चय पर अड़ी रही। विवशः मकरः स्वमित्रं बानरं प्रतिगत्वा अवदत्। तो अब जब विवश हो गया वो मगरमच्छ, तो वो अपने मित्र के पास पहुंचा, बंदर के पास। मित्र प्रतिदिनम अहम एव अत्र आगच्छामि अद्य त्वं मम गृहम् आगच्छ। तो उसने बोला बंदर से कि मैं तो प्रतिदिन तुम्हारे वहां पर आता हूँ, जामुन के फल खाता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आज तुम मेरे घर पर चलो भोजन के लिए। बानर प्रत्युवाच त्वं तु जले वससि कथम अहम तत्र गन्तुं शक्नोमि। तो बानर ने उससे बोला कि तुम तो जल में रहते हो, तुम तो चले जाओगे जल में, लेकिन मैं कैसे जाऊंगा, मैं तो पेड़ों पर रहने वाला हूँ। मकर अवदत् अलम चिंतया, मगरमच्छ ने उससे बोला कि तुम चिंता मत करो। तुम मम पृष्ठों पर उपविश्य अहम त्वं नेष्यामि, तो तुम मेरे क्या है पीठ पर बैठ जाओ और मैं तुम्हें वहां पर ले जाऊंगा। यदा त्वं नद्या मध्य भागे स्थितौ तदा मकर बानरम अवदत्। जैसे ही वो दोनों नदी के मध्य भाग में पहुंचे, तो मगरमच्छ ने अपने बंदर मित्र से कहा, मम पत्नी तब हृदयं खादितुम् इच्छति अतः त्वं मम गृहं नयामि। तो उसने उसको सच्चाई बता दी कि मेरी पत्नी तुम्हारे हृदय को खाना चाहती, इसलिए मैं तुम्हें वहां पर लेकर जा रहा हूँ। मकरस्य पत्नी बानरः भीतर। जैसे ही बंदर ने मकर के वचन सुने, तो वो पहले तो थोड़ा भयभीत हुआ, किंतु चतुरः बानरः शीघ्रम अवदत्। लेकिन क्या है, वो चतुर था, तो उसने तुरंत ही उससे बोला, रे मित्र मम हृदयं तु वृक्षस्य कोटरे निहितम्। कि हे मित्र, मेरा जो हृदय है वो तो वृक्ष की कोटर मीन्स खोखला जो वृक्ष रहता है बीच में, उसमें रह गया है। अतः तुम शीघ्रम मां तस्य नय, तो क्या करो कि तुम मुझे जल्दी से वहीं ले चलो ताकि मैं वहां से वो हृदय ला सकूं अपना। अहम प्रमुदित मना मम हृदयं तुभ्यं दास्यामि, और मैं वहां से अपने हृदय ला के तुमको दे दूंगा। मकर है बानरम पुनः तस्य वासन आनीतवान। तो जो मगरमच्छ था वो उसको वापस उसी पेड़ के पास ले गया। चतुर बानर शीघ्रम पूर्दित्वा वृक्षोपरि आहुरत। तो चतुर बानर जो था वो जल्दी से पेड़ के ऊपर कूदा और उस पर जाकर बैठ गया। बानर उच्चे हंसत्वा मकरम अवदत्। और बंदर जोर जोर से हंस के बोलने लगा, रे मूर किम हृदयम कदापि शरीरात् पृथक् भवति। उसने कहा कि हे मूर्ख, कि कभी हृदय कभी शरीर से पृथक हो सकता है? तुम मूर्ख है असि, तुम बहुत ही ज्यादा मूर्ख हो। इतः परम त्वया सह मैं मैत्री समाप्त, और आज से तुम्हारी और मेरी मित्रता समाप्त होती है। इति उक्त्वा बानरः पुनः मधुराणि जम्बू फलानि अभक्ष्यत्। और इतना कहकर बंदर फिर से मीठे जामुन खाने लगा। विश्वासो हि
ययोर मध्ये तयोर मध्ये अस्ति स्वर्गम यस्मिन् वास्ति विश्वास है तस्मिन् मैत्री को संभव विश्वासो ही ययोर मध्ये मतलब कि जिनके मध्य में विश्वास होता है उनकी ही मित्रता संभव हो सकती है और जिनके बीच में कोई विश्वास नहीं होता है वहां पर मित्रता कैसे संभव हो सकती है। तो इस कहानी के माध्यम से हमने समझा है कि अगर हमारे पास हम पर कोई भी अचानक से कोई हम कष्ट में पड़ गए हैं किसी भी दुविधा में फंस गए हैं तो हमें घबराना नहीं चाहिए और हमें अपने दिमाग से काम लेना चाहिए।